बाल ठाकरे मेमोरियल के लिए जल्द ही दी जाएगी जमीन, उद्धव की मौजूदगी में सीएम फडणवीस का ऐलान। बाल ठाकरे के स्मारक के लिए दादर में शिवाजी पार्क के पास दी जाएगी जमीन, फडणवीस ने कहा आखिरी चरण में आवंटन की प्रक्रिया। बॉम्बे हाईकोर्ट की सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों को फटकार, कहा समस्या नहीं समाधान बताइए, नहीं तो रोक दी जाएगी सैलरी। गोरेगांव इलाकों में ईसाइयों के कब्रिस्तान के लिए जमीन देगी महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक्शन। प्लास्टिक मुक्त होगा महाराष्ट्र, सबसे पहले मंत्रालय में बैन किए जाएंगे प्लास्टिक के पानी की बॉटल्स। श्रीनगर के बैंक ऑफ बड़ौदा में लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, लूट के माल के साथ ही आराम से जाते हुए नजर आ रहे हैं बदमाश। मां की हत्या करके खून की स्माइली बनाने वाले पुलिस अधिकारी के बेटे को नहीं मिली जमानत। बच्चे के यौन शोषण पर लगाम लगाने की कवायद, अब मुंबई के हर थाने में बनाया जाएगा एक दस्ता। ट्रैफिक से निजात पाने के लिए बांद्रा कुर्ला के दफ्तरों की टाइमिंग में फेरबदल, 9:30 बजे की दफ्तर जगह कुछ जगह दफ्तर खोले जाएंगे 10 से 11 के बीच। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट ने शुरू की हेल्पलाइन, बसों की जानकारी के लिए 1800221250 पर कर सकते हैं कॉल। आरबीआई से लॉकअप पॉलिसी और सुरक्षा पर एक बार फिर से सोचने की अपील, बेलापुर के शख्स ने डाली ऑनलाइन अर्जी। पालघर इलाके में सरकारी मदद और रहने के लिए जगह न मिलने से कई बच्चों ने छोड़े स्कूल, अच्छे मार्क्स के बावजूद स्कूल से तौबा। मुंबई यूनिवर्सिटी की बीएमएस की एक छात्रा ने मोबाइल पर मिला परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र, अमोली पुलिस ने जांच शुरू की। महाराष्ट्र और गोवा में जल्द ही अब पोस्ट ऑफिस में बनेंगे आधार, जून से ही इस पर काम चल रहा था। अब ऑमलेट खाना हुआ महंगा, 80 रुपए दर्जन के हिसाब से बिक रहे हैं अंडे। इस साल अक्टूबर तक खुदकुशी करने वाले किसानों का आंकड़ा 2414 पर पहुंचा, कर्ज की वजह से 51% खुदकुशी। महाराष्ट्र की 3 सबसे गंदी नदियों में से एक मुंबई की मीठी नदी भी, पुणे की मुला और रायगढ़ की कुंडलिका नदियां भी हैं इस लिस्ट में शामिल। मुंबई में जगह की कमी की वजह से अब सार्वजनिक शौचालय भी होंगे बहुमंजिला, 2018 तक शहर में 18,818 शौचालय बनने हैं। 235 अंकों की बढ़त के साथ 33,342 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 68 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी 10,283 पर बंद। 75 रुपए की गिरावट के साथ 30,450 रुपए प्रति तोला हुआ सोने का दाम, चांदी 100 रुपए फिसल कर 40,550 रुपए प्रति किलो। करनी सेना की धमकी के बाद महाराष्ट्र सरकार सतर्क, सूबे के गृह मंत्री ने हर तरह के एहतियात बरतने का भरोसा दिया। पद्मावती को लेकर सियासी घमासान, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बोले इतिहास से छेड़छाड़ की अनुमति किसी को नहीं। आज तक की खबर का असर, शाहरुख खान को बॉम्बे हाईकोर्ट में घसीट सकते हैं रायगढ़ के कलेक्टर, खुद को किसान बताकर मुंबई में अलीबाग में जमीन लेने का पूरा मामला है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से पहले फिल्म पीयू की लीड किरदार ने मनाया जन्मदिन, सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने बधाई दी।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म की रिलीज रुकवाने के लिए चित्तौड़गढ़ किले के बाहर सर्व समाज के लोग बेमियां धरने पर बैठ गए हैं। उधर खबर यह है कि भंसाली करनी सेना के लिए फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग करने के लिए भी राजी हो गए हैं, लेकिन आधे अधूरे दस्तावेजों की वजह से सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आई है कि 1 दिसंबर की बजाय यह फिल्म 12 जनवरी को रिलीज होगी, लेकिन फिल्म निर्माता कंपनी ने इसे खारिज कर दिया है। वीरांगना पद्मावती की धरती चित्तौड़गढ़ में तलवारें खिंच चुकी हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की रिलीज रोकने को लेकर सर्व समाज के लोग रानी के ऐतिहासिक किले के सिंह द्वार पर बेमियादी धरने पर बैठ गए हैं। चित्तौड़गढ़ के इन प्रदर्शनकारियों ने पद्मावती को नाक का सवाल बना लिया है। ये तलवारें म्यान से निकल गई, अब अंदर नहीं जाएगी। जब तक ये फिल्म रिलीज होने से नहीं रुकेगी तब तक ये म्यान के अंदर नहीं जाएगी। तो नाक का मतलब होता है हमारे हिंदू संस्कृति में कि नाक कटना मतलब इज्जत खराब, वो हमारी इज्जत खराब कर रही, इसलिए उसकी इज्जत बिगाड़नी। और इज्जत हमारे भाइयों ने तरीके से बिगाड़ने के लिए बोला। नाक का मतलब वो से, जैसे कि आपने बहुत से सुने हो, क्षत्रिय कभी औरतों पे हाथ नहीं उठाते, इसीलिए क्षत्रिय नाक काटते हैं, क्योंकि सुरपणखा की नाक कटी थी। धार्मिक आस्था को हमारी सती माता का नाक कट रहा, वो आपको नहीं दिख रहा क्या? ये हमारे पूरे कुल के समाज का, पूरे सर्व समाज के लिए महारानी का नाक कटा, वो नहीं दिख रहा। याद नहीं पड़ता कि चित्तौड़गढ़ का किला कभी सैलानियों के लिए बंद हुआ हो, लेकिन फिल्म पद्मावती के खिलाफ प्रदर्शन की वजह से किले के बाहर हंगामा है और अंदर वीरानी छाई हुई है। भंसाली की पद्मावती का विरोध सिर्फ राजस्थान तक नहीं सिमटा है, ये देश के कई शहरों में पहुंच गया है। 8 शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहीं पुतले फूंके जा रहे हैं तो कहीं मोर्चा निकाला जा रहा है। हर जगह निशाने पर संजय लीला भंसाली की पद्मावती है। इस बीच आज तक के सूत्रों से पता चला है कि पद्मावती के निर्माताओं की तरफ से सेंसर बोर्ड को चिट्ठी भेजी गई है कि वो करनी सेना के लिए प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए तैयार है और उन्हें इसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाए, लेकिन सेंसर बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक उन्हें निर्माताओं की तरफ से आधे अधूरे दस्तावेज दिए गए हैं, इसीलिए वो सर्टिफिकेट जारी करने में असमर्थ है। उधर सरकारी सूत्रों ने साफ कर दिया है कि पद्मावती को सेंसर सर्टिफिकेट का फैसला करने का अधिकार सिर्फ सेंसर बोर्ड का है। आज तक ब्यूरो। तो पद्मावती फिल्म को लेकर भले ही कितनी भी धमकियां आएं और बवाल मचे, महाराष्ट्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि फिल्म की रिलीज के बाद किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होने दी जाएगी। थिएटर हॉल के बाहर किसी भी तरह की गैरकानूनी हरकत को रोकने के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। हाँ, फिल्म के निर्माता अपनी तरफ से अगर कुछ एहतियात बरतना चाहते हैं तो वो बरतें। फॉर द फिल्म मेकर्स आल्सो टू हैव डायलॉग्स विद दोस पीपल, बट विल यू एनकरेज दैट? I cannot tell them. I cannot tell them. I cannot take the initiatives because I am bounded by the law. It is their own option if they want, because it is in their own interest. That would help them to have more business for the movie. और अब बात करेंगे अगली खबर की। एक दूसरे पर तंज कसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते शिवसेना और बीजेपी के नेता। महाराष्ट्र में एक साथ सरकार में रहने के बावजूद दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक चलती ही रहती है, लेकिन इन सब के बीच दोनों पार्टी के आला नेता एक साथ एक ही स्टेज पर नजर आए। शिवसेना नेता बाल ठाकरे की 5वीं पुण्यतिथि पर उनके बेटे उद्धव ठाकरे और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक साथ दिखे। मौका था बाल ठाकरे मेमोरियल के वेबसाइट का उद्घाटन, लेकिन जिस तरह से दोनों नेता एक दूसरे के साथ पेश आ रहे थे उससे ये साफ लग रहा था कि रिश्तों में दूरियां बन गई हैं। पिछले 3 सालों में दोनों पार्टी एक साथ महाराष्ट्र में सत्ता में हैं, लेकिन दोनों आला नेता एक साथ कम ही दिखते हैं। रोजमर्रा की नोकझोंक के अलावा पिछले साल के मुंबई महानगर पालिका चुनाव ने दोनों पार्टियों के मतभेद को और गहरा दिया था। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं। इन दोनों नेताओं के टकराव की एक और वजह है, वो है नारायण राणे, जो पहले शिवसेना में थे और हाल फिलहाल में ही कांग्रेस का हाथ छोड़कर देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में आना चाहते हैं। शिवसेना इसका विरोध कर रही है और शिवसेना का कहना है कि वो कभी नहीं चाहते कि नारायण राणे कैबिनेट मीटिंग में उनके साथ बैठे। इस पूरे फंक्शन के दौरान उद्धव नाराज ही नजर आ रहे थे।
माहौल को बेहतर करने के लिए फडणवीस ने मजाकिया अंदाज में बात भी की, लेकिन उद्धव पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो फडणवीस से दूरी बनाते दिखे। महाराष्ट्र में दोनों पार्टियां दशकों से एक साथ काम करती आई हैं, लेकिन एक साथ खड़े लेकिन एक दूसरे से नजर बचाते इन नेताओं को देखकर तो साफ लगता है कि सत्ता के गलियारों में अब सब ठीक नहीं है। शिवसेना और भाजपा के बीच की दूरियां अब दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। जब उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक ही मंच पर एक ही कार्यक्रम में आए तो दोनों के बीच की यह नाराजगी जो थी वो सीधे तौर पर दिख रही थी। अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस कोई इनिशिएटिव लेते हैं उद्धव की नाराजगी को मिटाने की, क्योंकि अगर नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि शिवसेना जो है वो अगले चुनाव में भाजपा विरोधी दल का हाथ भी थाम सकती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मयूरेश गणपत्ते, मुंबई आज तक। और चलिए बात करेंगे बढ़ती हुई मुश्किलों की। शाहरुख खान के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। खुद को किसान बताकर रायगढ़ में जमीन खरीदने के मामले में अब शाहरुख खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। रायगढ़ के कलेक्टर विजय सूर्यवंशी शाहरुख खान को अदालत में खींच सकते हैं। तो शाहरुख खान पर प्रशासन तैयारी कर रहा है केस करने की, और इसके बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी शाहरुख खान की। तो ये पूरा मामला है उस जमीन का जिसे लेकर लगातार विवादों में फंसे हुए शाहरुख खान, और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ ये जमीन किसानों को बेची जा सकती थी। तो क्या इस जमीन को किसान बनकर शाहरुख खान ने खरीदा और उसके बाद यहां पर बंगला बनवाया, और इसी को लेकर अब रायगढ़ के कलेक्टर ने साफ किया है कि शाहरुख खान को इस मामले को लेकर वो अदालत में खींच सकते हैं, क्योंकि प्रशासन पूरी तैयारी में है कि शाहरुख खान पर केस किया जाए। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना।